तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद वसीम जिन्होंने 181 वोट हासिल किए हैं, यूं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसन मदे मुकाबिल थे जिन्होंने 169 वोट लिए हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस मुतालिक बात करेंगे इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, पहले भी हमने देखा कि पंजाब असम्बली में हंगामा राय की गई और मुस्लिम लीग नून की जानब से एतराज़ उठाया जा रहा था, लेकिन जब ये नतीजा सामने आ गया फिर क्या रद्द अमल रहा मुस्लिम लीग नून की जानब से? मुस्लिम लीग नून तो अब तो वो यही कहेंगे कि कह भी रहे हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती होती है, ज्यादती हुई है, लेकिन जो आज का जो नतीजा है ये उनके लिए खुशाइंद है कि उसके 3 वोट बढ़ गए हैं और ये वोट जो है वो आजाद अराकीन की जानब से भी हो सकते हैं, तहरीके इंसाफ की जानब से भी हो सकते हैं, क्योंकि तहरीके इंसाफ में के अंदर भी जो है वो काफी जो इख्तलाफ राय पाया जाता है वजारतों के हवाले से, मुशरा के हवाले से, तो इस हवाले से ये अब तो वाजह हो गया कि तहरीक इंसाफ की जानब से भी किसी ना किसी ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की अपनी बात है तो उनकी आज जो हिकमत अमली थी वो काफी बेहतर नजर आई। हमजा शहबाज शरीफ कायदे हिस्से इख्तलाफ जो थे वो आज पूरा दिन अपने चैम्बर में इस इलेक्शन की मॉनिटरिंग करते रहे और गाहे बगाहे हदायत भी जारी करते रहे और बाकायदा तौर पर अराकीन असेंबली से मिलते भी रहे। इस हवाले से उन्होंने जो सबसे बड़ी उनकी जो कामयाबी हुई थी वो ये हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने कायल किया अपने उम्मीदवार के हक में, और जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर नून लीग की हमायत का फैसला किया और आज जो उनके साथ के साथ अराकीन थे उन्होंने यक जुबान होकर एक साथ मिलकर वोट कास्ट किए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। जो फिगर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना वो 159 था और साथ जो इनके पीपल्स पार्टी के वोट थे उनको मिलाकर 166 बनते थे, लेकिन उसके बावजूद जो 3 जायद उम्मीदवारों ने 3 जायद अराकीन असेंबली। बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, अपडेट कर रहे थे। इसी मुतालिक बात कर लेते हैं सलमान तारिक से। सलमान, हमने मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन के मुतालिक तो जान